अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई आप आईफोन 11 पे खेलते हो तो इसके ऊपर रिव्यू कर दो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से 8 महीने पहले जब मैंने डिवाइस चेंज करनी थी, मेरे पास डिवाइसेस के बहुत सारे ऑप्शन थे बट मैंने आईफोन 11 ही क्यों चूज़ किया एंड आज की डेट में क्या आपको आईफोन 11 लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए गेमिंग के लिए। खैर इसके साथ साथ मुझे काफी ये भी कमेंट आते हैं कि पहले आप डिस्क्रिप्शन में सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल कोड डालते थे, आजकल क्यों नहीं डाल रहे। तो इसका जवाब अभी आपको खुद ही मिल जाएगा। इधर एक बंदे को मैं नॉक करने के बाद जैसे ही पुश करता हूँ, जिस बंदे की आईडी होती है वो बंदा आईडी को लॉग इन कर लेता है। हाँ, वैसे काफी लोगों को पता होगा कि यार मेरा पबजी का अकाउंट बैन हो गया था एंड जब अनबैन हुआ तो उसका मेरिट 40 था। एक दिन में मेरिट अप नहीं होता, रोज सिर्फ 6 पॉइंट्स मेरिट अप होते हैं एंड कल से इंशाल्लाह इसके बाद जो भी मेरी वीडियो आएगी मेरे खुद के अकाउंट से आएगी। अभी इस आईडी से कोड्स तो मैं आपको निकाल के दे दूं बट देखो यार, जैसे ही जिस बंदे की आईडी है वो आईडी को लॉगिन करेगा एंड अपने कोड्स वगैरह लगाएगा तो जो कोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो इसलिए यार इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। खैर इधर एक पुचंगी में स्क्वाड होती है एंड ये स्क्वाड अब आपके भाई पे पुश करने वाली है। काफी मजे की फाइट होने वाली है इनके साथ। ये एक अच्छा प्लेयर लग रहा होता है एंड बाकी के इसके टीममेट्स भी इधर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने आपको हील अप करता हूँ। ओके, बाहर की साइड से एक बंदा आ रहा है। ओके, दो बंदे काट दिए हमने डाउन एंड इधर थोड़ा सीन होने वाला है। ओ भाई, पीछे से मुझे AWM पड़ती है एंड सीधा मैं 1 HP हो चुका हूँ। जल्दी से मैं अपने आपको हील अप करता हूँ एंड साथ इनके बाकी के टीममेट्स पुश करा दे। हाँ ये गाइस, इधर आपके भाई का 1v4 होता है कंप्लीट। वीडियो कर दो लाइक अगर अभी तक लाइक नहीं किया। एम करते हैं इस वीडियो पे पूरे 6000 लाइक्स का। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड अब बारी है चर्च वालों की। थोड़ी थोड़ी स्नाइपिंग भी कर ही लेता है आपका भाई का। इन बंदों ने काफी ज्यादा तंग किया होता है मुझे फाइट में एंड ऑलमोस्ट मेरा क्लच भी मिस होने वाला था इन बंदों की वजह से। तो चलो यार इन बंदों को जरा सबक सिखाते हैं। इधर इसका दूसरा टीममेट आता है एंड इसको भी यहाँ पे मैं आराम से डाउन कर देता हूँ। कैरिन बंदों ने काफी ज्यादा तंग किया होता है फाइट में तो चला इनको मुक्के शुक्के करा के इनको सबक सिखा देते हैं। एंड गाइस, आपको मैं दो रीजंस ऐसे बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने आईफोन 11 लिया था। पहले मैं आईफोन XR पे खेलता था एंड वो एक छोटी डिवाइस है एंड आईफोन 11 का एंड उसका साइज एकदम सेम है। आईफोन 11, आईफोन XR, इनकी ग्रिप एंड इनका एम असिस्ट अब तक के आईफोन में सबसे ज्यादा बेस्ट है। इनके छोटे साइज की वजह से इनकी ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी होती है एंड इनका एम असिस्ट एकदम बॉप लेवल का होता है। मतलब यार अगर आप लोग TDM खेलना पसंद करते हो, TDM अपने दोस्तों को हराना चाहते हो तो आईफोन XR या आईफोन 11 ले लो चुप करके भाई। एंड इसके अलावा यार लैग, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या आईफोन 11 लैग करता है या नहीं करता इसका पता आपको इस वाले क्लच के बाद लग जाएगा। इस क्लच के बाद मैंने पूरा लेवी का गेम प्ले अपलोड किया, काफी मजे का गेम प्ले, आप लोग वो भी एंजॉय करना है एंड साथ में आपको लैग का भी खुद ही पता चल जाएगा। अब ये क्लच भी काफी ज्यादा मजे का होने वाला है। वैसे यार देखो, मेरी स्नाइपिंग को बिल्कुल भी जज नहीं करना, मैं अभी स्नाइपिंग सीख रहा हूं एंड ये वाले बंदे की स्नाइपिंग चेक करो। ओ भाई रुको, जरा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहले मैं जल्दी से किट लगा लूं एंड अब बारी है सर्बी को सबक सिखाने की। नहीं भाई नहीं, इस बंदे की स्नाइपिंग काफी ज्यादा अच्छी है एंड मैं क्लोज रेंज का प्लेयर हूं तो यार इस बंदे को जरा क्लोज रेंज में अच्छे से देखेंगे। खैर लेफ्ट साइड से बंदा एक पीक दे रहा होता है एंड पीछे की साइड पे मैं एक स्मोक कर देता हूं ताकि यार कोई बंदा मुझे थर्ड पार्टी करके मेरे फाइट को डिस्टर्ब ना कर दे। ओके बॉयज, अब आ रही है पुश करने की। सीधा मैं काय वाली पावर लगाता हूँ एंड सीधा वेयर हाउस के ऊपर आ जाता हूँ। मजे की बात यह है कि वेयर हाउस के ऊपर पहले से ही एक बंदा होता है। इस बंदे को मैं आराम से डाउन कर देता हूँ, बाकी के बंदे पीछे की साइड पे हैं। चलो यार एक मोलोटोव करने की ट्राई करते हैं। एक और बंदा कर दिया मैंने डाउन, साथ ही पीछे की साइड से एक बंदा निकलता है। पता नहीं यार कितने बंदे नॉक पड़े हुए हैं क्योंकि जिस बंदे को मैंने पहले नॉक किया था वो भी यहाँ पे रिवाइव हो चुका है। जल्दी से मैं किट लगाता हूँ, साथ ही एक बंदा लेफ्ट साइड से पुश करा देता है।
ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था। खैर एक नेट करने की ट्राई करते हैं। ओके सामने वाले बंदे भी यहाँ पे ओके मोली फेंक रहे हैं, जल्दी से नेट करते हैं एंड पीछे की साइड पे भागते हैं। एक फूटा, साथ ही दोबारा से नेट करने की ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब दो और फूटे, एक ही बंदा बचा, तो चलो यार इसको AWM से मारते हैं। हाँ ये गाइस, इधर आपके भाई का 1v4 होता है कंप्लीट। एंड कमेंट करके बताना कि यार क्या मैं AWM यूज़ किया करूँ या नहीं किया करूँ। कह रहे थे हमारे लिविक के फुल गेम प्ले के ऊपर, तो देखो यार यहाँ पे आपको किसी किस्म का लैग बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा। असल में यार मैं अपने मोबाइल के पीछे कूलिंग फैन भी यूज़ करता हूँ। मैं जिस कमरे में बैठा हुआ होता हूँ यार उस कमरे में AC नहीं है, बट मैं अपने मोबाइल के पीछे कूलिंग फैन यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से मेरा मोबाइल बिल्कुल भी लैग नहीं करता। मैं जो कूलिंग फैन यूज़ करता हूँ इसका नाम DL05 है। एंड ये अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आपको फालन स्टोर से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फॉलन स्टोर पे आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यार काफी लोगों के पास आईफोन 11 है, वो कूलिंग फैन भी यूज करते हैं फिर भी उनका आईफोन लैग करता है। इसका यार मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट मेरी जो प्रैक्टिस है ना, मैं 50% अप चार्ज होता है तभी गेम प्ले बनाने के लिए आता हूँ, वरना मैं मोबाइल को चार्ज करके आता हूँ। जब आपके मोबाइल की बैटरी लो होती है ना, तब आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है एंड शायद इसी वजह से आपका मोबाइल कभी कभार लैग देता है। कह रहे थे वापस गेम प्ले के ऊपर, तो ये वाला गेम प्ले काफी ज्यादा मजे का होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जल्दी से हॉट ड्रॉप को क्लियर करते हैं। बाय 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 बाय, जैसे ही मैं मोलोटोव पिन करता हूँ ना, साथ ही ये बंदा मुझे अपनी लोकेशन देता है। वरना यार मैंने इसलिए वॉइस ओवर नहीं किया ताकि आप लोग खुद ही सुनो, इस बंदे की लोकेशन का मुझे पूरे टाइम पता ही नहीं होता कि ये बंदा एग्जैक्टली है किधर। खैर वापस मैं आता हूँ क्योंकि यार मेरे पास अभी रिकॉल पड़ा हुआ होता है। सामने में एक बंदा डाउन करता हूँ, जल्दी से इसके पास चलते हैं। मुझे लगता है इसका टीममेट इधर नहीं है, सो मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं लूट करने लगता हूँ साथ ही मुझे इसके टीममेट के फुटस्टेप आते हैं, तो चलो यार इसको भी जल्दी से पकड़ते हैं। अब ये इस इवेंट का लास्ट वाला बंदा होता है, इसको मारने के बाद इवेंट होता है क्लियर एंड 8 kills हमारे हो जाते हैं। इसके बाद मैं आगे की साइड पे आता हूँ, सामने की साइड से एक सोलो बंदा आता है, इसको भी आराम से मैं नॉक करने के बाद फिनिश कर देता हूँ एंड इधर हमारे किल्स हो जाते हैं 9। इसके बाद क्रैप ग्रास विद पावर प्लांट साइड मुझे कहीं भी बंदे नहीं मिलते। बंदे ढूंढते ढूंढते मैं मिटचन की साइड पे आ जाता हूँ एंड इधर आने के बाद मुझे उड़ता हुआ बंदा नजर आता है।
आईफोन 11 का एक ही नुकसान है कि यार इसकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मुझे बंदा शंदा नज़र कोई नहीं आ रहा था, मैं बस ऐम ही मारता रहा हूँ एंड कोई नॉक हो गया। खैर चलो यार इन पे पुश करते हैं एंड इधर आपके भाई की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जिस बंदे को मैंने अभी नॉक किया है इसने बाकी के दोनों बंदों को नॉक कर दिया था, सो लग गया तो यहाँ पे मुझे 3 किल्स मतलब 2 किल्स फ्री का भी मिल जाते हैं। खैर इन बंदों को मारने के बाद मैं आगे की साइड पर आता हूँ। रिकॉल के ऊपर स्मोक वगैरह हुई भी होती है, सामने एक गाड़ी भी जा रही होती है। ओके राइट साइड में एक बंदे के भी फुटस्टेप आते हैं। ओके इस बंदे को मैंने पहले भी मारा है एंड पहले भी ये बेचारा अकेला ही घूम रहा था। खैर इस बंदे को मारने के बाद मैं अंदर की साइड पे आता हूँ, साथ ही पीछे की साइड से गाड़ी आ जाती है। ओ भाई साहब इधर आपका भाई 20 HP सर्वाइव कर लेता है। खैर इस बंदे को मारने के बाद मैं आगे की साइड पे आता हूँ, सामने पहाड़ी की साइड से फायर वगैरह आ रहे थे, तो चलो यार इन बंदों पे पुश करते हैं। बाय 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 क्या रिफ्लेक्स था यार, लेकिन यार ना तो मुझे इस बंदे का किल मिलता है एंड इस बंदे की वजह से मेरा चिकन डिनर भी मिस हो जाता है। अच्छी खासी मेरे पास साइड की लोकेशन थी, सामने मेरे 3 बंदे थे एंड अब ये बंदे बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहे। काफी नेड करने की भी मैं ट्राई करता हूँ बट ये बंदे सामने नहीं आते। पीछे की साइड से मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ एंड जैसे ही मैं इसको बूस्ट करता हूँ ना ये गाड़ी किसी खड्डे में लगती है एंड सीधा मैं जाके इन बंदों के मुंह पे गिरता हूँ एंड बगैर फाइट लिए यहाँ पे आपका भाई सीधा लॉबी पहुंच जाता है। खैर कोई बात नहीं ये सब तो चलता है, तो बस यार आगे वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल भी पहली दफा तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। मिलते हैं आप साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बाय बाय टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।